नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आई वीडियो जो भी जिसने भी क्लिक किया है इस वीडियो पे, जिस पर्पस के साथ क्लिक किया है, आपको सारे पर्पस फुलफिल मिलेंगे, आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल मिलेगी। और इस मॉडल को आज हम डिफाइन करने वाले हैं 19x46 फिट अप्रॉक्स है, 46.5 फिट। तो इसी मॉडल को डिफाइन करेंगे। चौड़ाई इसकी 19 फिट है, 46 फिट इसकी गहराई है। और आपको कार पार्किंग और डबल स्टोरी मकान देखने को मिलेगा। काफी खूबसूरत मकान होने वाला है। अगर आपकी भी इसी प्रकार की रिक्वायरमेंट है तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं और इस टाइप का घर बनवा सकते हैं। दोस्तों, मैंने काफी सिंपल लुक दिया है, जिसमें बजट को मैंने बहुत ही ध्यान में रखकर बनाया है कि ज्यादा आपका बजट ना बढ़े, आपको घर बनवाने में ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इस मॉडल को आज हम आपके सामने डिफाइन करेंगे, A to Z जानकारी देंगे। वीडियो अगर आपको हमारे पसंद आते हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, पूरा डिटेल के लिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत प्लान होने वाला है आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। और यहाँ पर कार पार्किंग की व्यवस्था रखी है, आगे एक शॉप दुकान भी बनाकर रखी है और पूरा बेहतरीन सा मॉडल आपके सामने हमने इनबिल्ट करके रख दिया है। तो सबसे पहले फ्रंट की अगर बात करें तो ये इसका फ्रंट एलिवेशन है सामने से। इसका ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो आपको एक दुकान जिसमें शटर मैंने लगाया, ये मेन डोर जहां से आप अपने कार को पार करेंगे, मेन डोर मतलब कि ये है। इसका फर्स्ट फ्लोर है जिस पर एक बेडरूम के लिए डोर और विंडो, और इधर आपको जो कार पार्किंग वाला एरिया है उसको कवर्ड किया है मैंने। ऊपर आपको एक गुमटी बनाकर मैंने दी है जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपका घर पूरी तरह से क्लोज्ड हो जाए। तो इसी मॉडल को डिफाइन करेंगे। फ्रंट से ही केवल ओपन है, 3 साइड क्लोज्ड मॉडल आप देख सकते हैं, तीनों तरफ से बंद है। केवल आगे से इस मकान को मैंने खोल के रखा, आगे ही इनकी रिक्वायरमेंट थी। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है। सबसे पहले बात करें, मैं इसे जूम करके दिखाना चाहूंगा। ये इसका मेन डोर है जो कि 8.5 फिट का अप्रॉक्स है चौड़ाई में। इधर एक मैंने दुकान निकाल दी है, शॉप निकाल दी है, जिसे आप गेस्ट रूम समझ सकते हैं। आप जैसे अंदर जाते हैं तो आपको ये सबसे बड़ा एरिया देखने को मिलता है इधर से लेकर इधर कर, क्योंकि इसी में आपकी कार पार्किंग होने वाली है। देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। और इधर आपकी स्टेयर्स है जिसे टर्न ओवर बाहर की तरफ जाएंगे, उसी के नीचे आपकी कार पार्किंग बहुत ही आसानी से हो पाएगी। काफी बड़ा एरिया देखने को मिल जाता है। इसके बाद ये आपका वही जो दुकान जो इसमें मैंने शटर लगाया था, इधर अंदर से डोर दिया है और विंडो, आप जब तक दुकान नहीं तब तक इसे एज अ गेस्ट रूम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका यहाँ पर मैंने सेपरेट कर दिया, ये दोस्तों लेट बना दिया है। आपका यहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है, ये बाथरूम अलग बना हुआ है। लेट को आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे कार पार्किंग वाली जगह से। मेन डोर यहाँ से एंट्री करेंगे, आंगन में आ जाते हैं तो पीछे आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं, साइड में आपको बड़ा सा किचन देखने को मिल जाता है। ये आपका आंगन देख सकते, इसी आंगन से बाथरूम को एक्सेस कर पाएंगे। देख सकते लेटरिंग मैंने बाहर से दिया है डोर, तो पीछे 2 बेडरूम, बड़ा सा आपका किचन, ये आंगन और ये बाथरूम। इसके बाद इधर कार पार्किंग रहेगी, आपका लेट रहेगा, ये एक आपका बेडरूम या दुकान समझ लीजिए वो रहेगा। तो ये पूरा डिटेल है ग्राउंड फ्लोर का। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये देखिए दोस्तों, सिमिलर सिर्फ फ्रंट से ही मैंने लुक चेंज किया, बाद बाकी अंदर मैंने डिफाइन कर देता हूं। सिमिलर लुक रखा है, पीछे 2 बेडरूम, किचन, आंगन, वही बाथरूम, वही लेट, वही गेस्ट रूम। यहां पर अगर आप चाहते हैं तो आप एक बेडरूम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जगह पर्याप्त है। इसे क्लोज करिएगा यहां से यहां तक वॉल, आपके बेडरूम बन जाएगा अगर आपको रिक्वायर्ड है तो, नहीं तो आप ओपन रहने दें। इसी ओपन को मैंने क्लोज करने के लिए यहां पर जाल दिया है, इसे वॉल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि इस साइड है, एक डोर और विंडो दिया हुआ है, आगे बेहतरीन से ग्रिल का डिजाइन देखिएगा दोस्तों। आपको ये यू शेप में कुछ डिजाइन मैंने क्रिएट किया है और बेहतरीन सा डिजाइन आपके सामने बनकर आ जाता है। लास्ट फ्लोर की बात करें तो वही 3.5 फीट का चारों तरफ बाउंड्री वॉल आपको देखने को मिलता है। ये आपकी गुमटी है स्टेयर्स को ढकने के लिए, और ये डोर जिससे आप छत पर आएंगे। और ये फाइनली आपका कंप्लीट हो गया 19x46 फीट में मॉडल। तो अगर आप इन सभी मॉडल्स का साइज जानना चाहते हैं, रूम का, कार पार्किंग का, आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जाकर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर इसका 2D प्लान आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा मॉडल एक बेहतरीन से फ्रंट एलिवेशन के साथ मैंने आपको बनाकर दिया। तो ये मॉडल कैसा लगा हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि आपको हमारा ये प्लान पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी इस प्रकार की रिक्वायरमेंट है तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं पेड सर्विस भी चलाता हूं, जिसके लिए आपको पे करना होता है 50% पहले, 50% बाद में। मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूं, जो भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग।
अगर आप वास्तु का अकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी करता हूँ, अगर बिना वास्तु के मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं हाउस क्रिएट करके देता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं चार्ज लेता हूँ और 50% पहले देना होता है, 50 बाद में। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखे कि जब भी आप पेमेंट करें तो एक बार हमसे बात करें तभी पेमेंट करें, किसी अन्य व्यक्ति को बिल्कुल ना करें, नहीं तो फ्रॉड के भी शिकार हो सकते हैं। तो आप पहले मुझे व्हाट्सएप पर चैट करें, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसके बाद मैं आपको आपसे नंबर मांगूंगा और आप मैं खुद ही कॉल करूंगा और आप जब मेरी मुझसे आपकी बात हो जाए, जब कंफर्म हो जाए तभी पेमेंट करें, नहीं आप फ्रॉड का भी शिकार हो सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।